ओम नमः शिवाय। किसी के ब्रेन को पढ़ना, उसके माइंड को पढ़ना एक बड़ा ही मज़ेदार काम है। तो छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे आप बहुत इजीली सामने वाले का इंटेलिजेंस पावर चेक कर सकते हैं कि उसमें कितनी इंटेलिजेंस लेवल है, कितना वो इंसान का कॉन्सेंट्रेशन लेवल क्या है, उसकी सोच कैसी है, वो कितना इमोशनल है, कितना सेंटिमेंटल है, कितनी जल्दी वीक पड़ जाता है सिचुएशंस के अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग से जुड़ी हुई आप बता सकते हैं। तो चलिए आज वो फटाफट से दो तीन जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंसान की अगर हमें इंटेलिजेंस लेवल देखनी है, विजडम देखनी है, थिंकिंग एबिलिटी देखनी है, स्ट्रेस को झेलने की कैपेसिटी देखनी है या मेमोरी देखनी है, मेमोरी पावर देखनी है, तो हम उस इंसान की हेडलाइन या माइंड लाइन देखते हैं। देखिए, माइंड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आमतौर पर जाती है लोगों की। माइंड लाइन की जो लेंथ है वो लेंथ यानी कि लंबाई हमें बताती है कि कितनी इंटेलिजेंस पावर उस इंसान के अंदर है, यानी कि जितनी लंबी ये लाइन उतनी ही ज़्यादा इंटेलिजेंस पावर। अगर ये लाइन यहाँ आके रुक जाती है, इतने तक ही जाती है मिड तक, तो दिमाग है और मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ तक जाके चली गई इस तरीके से, तो पूरी हाथ को इसने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसका मतलब उस इंसान की इंटेलिजेंस पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी मेमोरी पावर। देखिए, इंटेलिजेंस लेवल अगर छोटी लाइन है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें दिमाग नहीं होगा, लेकिन जितनी लंबी लाइन उतनी ही मेमोरी पावर यानी कि चीज़ों को दिमाग में रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कोई भी इंसान कितना इमोशनल है वो कैसे पता लगेगा। मान लीजिए ये लाइन अगर यहाँ से लेके जाकर बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, उसमें बेंड नहीं आ रहा, कोई भी नीचे को झुकाव नहीं आ रहा, वो अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब उसकी एनालिटिकल एबिलिटी उस इंसान की बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल आदमी है, यानी इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। गुड मैथमेटिक्स होगा उस इंसान का, साइंस और आईटी फील्ड उसका बहुत अच्छा होगा, यानी कि ओवरऑल एक अच्छा इंटेलिजेंट आदमी होगा, इमोशनल कम होगा। लेकिन कभी कभी ये लाइन जा कर के बेंड हो जाती है, यानी कि लाइन सीधी ना जा कर के हल्की सी नीचे को स्लोप लिए हुए आ गई। अगर ये लाइन नीचे स्लोप लेके जा रही है, ऐसे लोगों का इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ये लोग आर्टिस्टिक होते हैं, ये लोग पेंटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, राइटर बहुत अच्छे हो सकते हैं, पोइट बहुत अच्छे हो सकते हैं, बेसिकली आर्टिस्टिक फील्ड वाले ये लोग होते हैं। स्ट्रेट लाइन वाले लोग काफ़ी एनालिटिकल होते हैं और प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। जितनी लाइन बेंड हो गई उतना ही ज़्यादा इंसान इमोशनल बढ़ता जाता है। कभी कभी ये लाइन बहुत ही ज़्यादा नीचे चली जाती है, जैसे कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ चली गई। ये लाइन काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है, जितनी ज़्यादा नीचे बेंड होकर लाइन चली गई। देखिए, इसको लाइफ लाइन से आप कंफ्यूज मत करिए, लाइफ लाइन यहाँ से लेके यहाँ जा रही थी, मैं माइंड लाइन की बात कर रही हूँ। माइंड लाइन यहाँ से लेके अगर यहाँ तक आ गई, या एक और एग्जांपल दे देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, या माइंड लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक चली गई। देखिए, ये लाइफ लाइन थी और माइंड लाइन कभी कभी नीचे तक आ जाती है। अगर इस तरीके से नीचे चली गई, वो इंसान एक्सट्रीमली इमोशनल होगा, बहुत ही जल्दी चीज़ों से डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, और आम तौर पर ज़िंदगी में वो इंसान डिसीज़न नहीं ले पाता। कुछ भी लाइफ में बात हो गई और बस वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगी कि इनको अपने मन को यानी माइंड को यानी मून प्लैनेट को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है, एक सेकेंड, कभी कभी किसी किसी केस में ये जो माइंड लाइन है इसके आगे टेसल्स बन जाते हैं, इस तरीके से टेसल्स बन जाते हैं, यानी कि जिसको गोपूछ भी बोलते हैं, पूंछ की तरह यानी टेल की तरह इस यहाँ पर लाइनें आ जाती हैं। ऐसे इंसान को ज़रूर अपना ब्रेन चेक कराना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर ब्रेन से रिलेटेड कुछ इश्यूज ऐसे लोगों को आ सकते हैं ज़िंदगी के आखिरी वक्त के टाइम, यानी कि शुरुआत में तो देखिए लाइन ठीक चल रही है, लेकिन लास्ट में आ रहा है, क्योंकि लाइन का स्टार्ट यहाँ से हुआ और यहाँ जाके एंड। तो ऐसे इंसान को अक्सर दिमागी प्रॉब्लम आने का अंदेशा रहता है। कभी कभी क्या होता है, देखिए, कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा ना अपनी चलाने वाले होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल भी होते हैं। मैं उनका एक एग्जांपल देती हूँ। कभी कभी किसी किसी हाथ में ये लाइफ लाइन है और माइंड लाइन
ऐसे अलग जा रही है, देखिए जुड़ नहीं रही है, दोनों अलग अलग आ रही है। अगर ऐसा हो रहा होता है तो ये इस तरह के लोग नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दो इनका करियर बहुत सक्सेसफुल होता है, लेकिन इस तरह के लोग दूसरों की नहीं सुनते और अपनी ही चलाते हैं। तो ये थी माइंड लाइन के ऊपर कुछ बातें, फिर नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी और लाइन को डिस्कस करते हैं। ओम नमः शिवाय।